हे फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बॉस मल्टी टैलेंट फूड प्रोसेसर की बड़ी जार में आप किस तरह से चटनी को ग्राइंड कर पाएंगे। जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ चटनी, ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है, आप किसी चीज की भी चटनी पीस सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ा धनिया लिया, आप सोच सकते हैं कि लीफी वेजिटेबल कितना कम हो जाता है इसीलिए। लेकिन मैंने इसके साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आप डालना चाहे डाल दीजिए। मैंने धनिया और मिर्च और लहसुन और थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है, क्योंकि मैं इसी तरह से चटनी बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसकी वर्किंग बताई थी कि दोनों एरो को आप मिला लीजिए, तब आप उसको फिट करिएगा। ये देखिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारी उसमें थिकनेस आ जाए चटनी में। ये देखिए, ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, कितना कम हमने डाला इंग्रेडिएंट, लेकिन फिर भी ये कितने अच्छे से ग्राइंड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि हम छोटे वाले जार में सिर्फ चटनी को ग्राइंड करें, क्योंकि हमारे पास छोटा जार होता है, लेकिन ये बड़े वाले जार भी जो कंपनी ने दिए हैं उसमें भी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो रहा है। यू कैन सी इट, जस्ट ये देखिए, जस्ट 10 to 15 सेकंड में हमारा चटनी तैयार हो गई है। आप देखिए कितना थोड़ा सा चटनी है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी और कितना कितना महीन पिसा है ये चटनी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसे बॉल में पोर करके दिखाती हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि हमारी चटनी कैसी बनी है। ये देखिए, मैंने एक बॉल लिया है, उसमें ये देखिए कितना थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी चटनी ग्राइंड हुई है। ये देखिए, मैं आपको पोर करके दिखाती हूँ। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।